हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय नेम इज़ श्री मांजी सीझा सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास इलेवंथ इकोनॉमिक्स चैप्टर वन एंड टॉपिक इज स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो स्टैटिस्टिक्स होती है उसको प्लूरल सेंस में कैसे देखते हैं हम या फिर कौन कौन से पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करते हैं एंड इससे पहले हम तीन पार्ट कर चुके हैं इकोनॉमिक चैप्टर वन के जिसके अंदर हमने किया था कि बेसिक्स इकोनॉमिक्स के टर्म्स क्या होती हैं इकोनॉमी क्या है बेसिक जो हमारे की टर्म्स हैं नीड्स क्या होती है वोट्स क्या होती है एंड स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस में कैसे स्टडी करते हैं वो सब हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आप प्ले में जाके कर भी चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट का नेम है क्लास इलेवंथ इकोनॉमिक्स ऑल राइट सो विदाउट डिले हम डिस्कस करते हैं स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस ओके अब हम देखते हैं कि हम स्टैटिस्टिक्स की जो हम बात कर रहे हैं प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या है एक बार सिंगुलर को थोड़ा सा ब्रीफ में करते हैं क्या किया था हमने डिस्कस अब जब हमने स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस में स्टडी किया था तो हमने ये देखा था कुछ ना स्टेप्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स के सिंगुलर सेंस में स्टेप्स क्या थे भाई पहले क्या करना है हमने डाटा को कलेक्ट कलेक्शन ऑफ डाटा देन ऑर्गेनाइज ऑफ डाटा या ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा देन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा देन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा को पाई हम ही कर चुके हैं डिस्कस पहले से ही बिल्कुल डिटेल में ऑल राइट हमने सिंगुलर सेंस में यही पढ़ा कि स्टैटिस्टिक्स क्या है एक सेट ऑफ़ कलेक्शन ऑफ स्टेप्स हैं जिसके अंदर जो हम जितने भी स्टेप्स हैं वो स्टडी करके ही स्टेटिस्टिक्स बनती है कलेक्शन किया डाटा का ऑर्गेनाइज किया उस डाटे को प्रेजेंट किया उनका एनालिसिस किया देन उनको इंटरप्रिटेशन किया ये हमने स्टडी किया सिंगुलर सेंस में अब हम करते प्लूरल सेंस में क्या होता है इन प्लूरल सेंस द वर्ड स्टैटिस्टिक्स रेफर टू नमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्टेड इन अस्टेमेटिक मैनर विद द डेफिनेट परपज ऑफ फील्ड ऑफ स्टडी अब देखिए रूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है वो नमेरिकल फैक्ट एंड फिगर्स जो भी आप सिस्टमेटिक मैनर में सिस्टमेटिक तरीके के अंदर डाटा को कलेक्ट कर रहे हो वो डाटा कैसा होना चाहिए नमेरिकल फॉर्म में फर्स्ट कंडीशन यही है कि आपने डाटा को फिगर्स को कलेक्ट करना है सिर्फ नूमेरिकल डाटा को नूमेरिकल डाटा फिगर्स को और किस लिए फॉर अ डेफिनेट पर्पस आपका कोई ना कोई प्री डिटरमाइंड पर्पस कोई ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए हम बोलते हैं ना अगर हमारा किसी काम को करने के रिगार्डिंग कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है पहले से तो हम कैसे उस काम को पूरा कर पाएंगे ऐसे ही यहाँ भी है अगर आप कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो आप कुछ उसका रिजल्ट तो निकालना चाहोगे ना आपको कोई ऑब्जेक्ट तो होगा जिसके कारण आप इतनी सारी स्टडी किए जा रहे हो राइट इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स इज कंसीडर्ड एज न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स स्टैटिस्टिक्स क्या है प्लूरल सेंस में न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन है किसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ थिंग का कि कोई भी थिंग मटेरियल के रिगार्डिंग जब भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो ना वो आपका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में होना चाहिए क्वान्टिटेटिव इन द सेंस वो न्यूमेरिकल टर्म में होना चाहिए आप किसी क्वालिटेटिव टर्म को मेजर नहीं करना लाइक हम किसी को होनेस्टी को मेजर नहीं कर सकते किसी की ब्यूटी को हम मेजर नहीं कर सकते स्टैटिस्टिक्स में वो स्टैटिस्टिक्स है ही नहीं पहली बात है हाँ। ना हमने फर्स्ट पार्ट में किया था स्टैटिस्टिक्स क्या है स्टैटिस्टिक्स वही है जब हम क्वान्टिटेटिव टर्म फिगर्स में मेरिकल में किसी भी जगह के डाटा को लेते हैं दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स तो क्वालिटेटिव डाटा को तो हमने लेना ही नहीं है किसको नहीं लेना क्वालिटेटिव डाटा को किसी की ब्यूटी होनेस्टी क्लेवरनेस गुडनेस बैडनेस इन चीज़ों को हम मेजर करना ही नहीं स्टेटिस्टिक्स में ओनली क्वांटिटेटिव नमेरिकल डाटा को ही हमने सिस्टेमेटिक मैनर में कलेक्ट करना है और वो भी किसी प्री डाटा माइंड के लिए ठीक है इन एनी फील्ड ऑफ स्टडी एनी फील्ड ऑफ स्टडी का मतलब क्या है कि आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो कहीं भी कर सकते हो वो आपके डिपेंड करता है आपके डाटा के ऊपर आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर राइट आई होप आपको प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में हम कैसे देखते हैं राइट right? अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है, आपको मीनिंग या कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं ओ राइट नेक्स्ट आगे करते हैं अब हम जो बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की प्ल सा साइंस में तो उसके कुछ फीचर्स लगा लो कुछ पॉइंट्स होते हैं ठीक है, है? जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल साइंस में अच्छे से बिल्कुल डिटेल में समझेंगे ऑल राइट एंड जो हम बात कर रहे हैं कि प्लूरल साइंस में होती है, है स्टैटिस्टिक्स इसको हम न्यूमेरिकल डाटा भी बोल सकते हैं स्टैटिस्टिक्स इन नूमेरिकल डाटा या फिर स्टैटिस्टिक्स एज स्टैटिस्टिकल डाटा ये भी बोल सकते हैं ऑल राइट अब यहाँ से फीचर्स देखते हैं फर्स्ट देखिए एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट फर्स्ट फीचर बोलता है स्टैटिस्टिक्स इन प्रोडक्ट सेंस में कि जो भी आप फैक्ट्स या डाटा वगैरह ले रही हो वो आप एग्रीगेट में लोगे एग्रीगेट मीन्स टोटल जो आप डाटा लोगे वो आप टोटल में लोगे टोटल में मीन्स देखते हैं अ सिंगल नंबर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स एज नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फॉम इट ओनली द एग्रीकेट ऑफ फैक्ट्स केपेबल ऑफ ऑफरिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कंसीट्यूट स्टेटिस्टिक्स अब यहाँ क्या कह रहे देखिए कहते हैं जो स्टैटिस्टिक्स में हम बात कर रहे हैं कि चलो ठीक है हमें डाटा क्लेक्ट करना है नमेरिकल डाटा कलेक्ट करना है उसका कोई ना कोई आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कलेक्ट करने के लिए और तो जब कलेक्शन करोगे सिंगल नंबर की अगर कुछ डाटा कलेक्ट करे हो उसका कोई भी मीनिंग नहीं है वो स्टैटिस्टिक्स है ही नहीं कि आपको सिंगल नंबर करेक्ट नहीं करना आपको टोटल नंबर सेलेक्ट करना है या कलेक्ट करना है ताकि उससे कुछ ना कुछ आप रिजल्ट या कुछ ना कुछ आप उससे कंक्लूजन निकाल पाओ और right. इसमें हम जो भी डाटा कलेक्ट करेंगे वो आपका डाटा टोटल में होना चाहिए एग्जाम्पल लेते हैं लाइक like हमने बोला हमारे स्कूल में ना टोटल सेवन हंड्रेड स्टूडेंट्स हैं ओके सिर्फ इतना ही पता है सेवन हंड्रेड स्टूडेंट्स हैं तो इससे हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किस क्लास में कितने हैं एवरेज किस क्लास में कितने है. नहीं अगर हम ये बता रहे हैं हर एक क्लास का डिफरेंट डिफरेंट क्लास फर्स्ट में इतने स्टूडेंट्स हैं सेकेंड में इतने एट्थ क्लास में इतने ऐसे हर एक क्लास का अलग अलग हमने स्ट्रेंथ बता दी तो हम थोड़ा बहुत उसको डॉडर से कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि हाँ ऑन एन एवरेज एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे स्कूल में राइट right? इसीलिए बोलते हैं कि जो भी डाटा है ना, वो आपको एग्रीगेशन में लेने ना कि आपने सिंगल फॉर्म में लेने ओके okay? एंड ऐसे ही एक और डाटा लेते हैं लाइक like हमने बोला क्लास इलेवेंथ में टोटल टू हंड्रेड स्टूडेंट्स हैं ऑल राइट सिर्फ इतना ही बताया कि टू हंड्रेड स्टूडेंट्स हैं ना स्ट्रीम बताई ना कुछ तो क्या इस डाटा से आपको कंक्लूजन या कुछ रिजल्ट निकाल सकते हो नो क्योंकि ये स्टेटिफिक्स है ही नहीं बट हमने ये अलग अलग ये भी बता दिया साइंस में कितने स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स में कितने हैं आर्ट्स में कितने है, हैं उसके बाद हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज आर्ट्स में ज़्यादा हैं कॉमर्स में ज़्यादा बच्चे हैं फिर हम आगे गर्ल्स बॉयज़ का भी सेग्रीगेशन कर दिया तो आपका डाटा कहने का मतलब यह है कि आपका जो भी डाटा है ना वो आपका एग्रीगेशन में होना चाहिए आपका टोटल में होना चाहिए डाटा ना कि आपका सिंगल फॉर्म में क्योंकि जो सिंगल फॉर्म में डाटा होगा उसका आप कंक्लूजन नहीं निकाल पाओगे राइट सेकंड पे आते हैं सेकंड कहता है आपका जो अब जब भी आप स्टैटिस्टिक्स की प्लूरल सेंस में बात करोगे तो आपका डाटा नमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स आर एक्सपेक्स एक्सप्रेस इन नंबर्स क्वालिटेटिव डाटा लाइक पुअर ब्यूटीफुल बिग एट सेक्टर कैन नोट बी टर्मड एज स्टेटिस्टिक्स कहते रहे सेकेंड फीचर क्या है कि जो भी आप डाटा कलेक्ट करोगे ना वो नंबर्स में होना चाहिए न फॉर्म में होना चाहिए ना कि क्वालिटेटिव फॉर्म में क्वालिटेटिव मतलब आपकी वो डाटा जिसको आप नंबर्स में नहीं ले सकते जैसे किसी की ब्यूटी रिचनेस पुअर ब्यूटीफुल अगली बिग स्मॉल ये सारे फीचर्स हैं है ना जिनको हम क्वालिटेटिव फॉर्म में मानते हैं और जिनको हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते और स्टैटिस्टिक्स में भी आप नमेरिकल फॉर्म फॉर्म में ही डाटा लोगे क्वालिटेटिव डाटा को आपने इग्नोर करना है ऑल राइट आगे नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं आइए थर्ड इज अफेक्टेड बाय मल्टीपल कोजेस अब मल्टीपल कोजेस क्या है पहले तो ये देखते अच्छा मल्टीपल मीन्स मैनी राइट मल्टीपल मीन्स मैनी अब कहते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है ना वो कई सारे कारणों से इफेक्टेड होती है स्टैटिस्टिक्स इज नॉट इम्पेक्टेड ओनली बाय वन फैक्टर एज मल्टीप्लीसिटी ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑन इट कहते कि ना कब भी कोई भी चीज़ हैपन होती है उनका सिर्फ एक कारण नहीं होता उनके कई कारण होते हैं इसीलिए आप ये नहीं बोल सकते जो भी आप डाटा कलेक्ट किया उसका सिर्फ पर्टिकुलर यही रीज़न था नो no. क्योंकि उससे उसके कई सारे कारण हो सकते हैं एग्जाम्पल अगर हम बोल रहे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का ना प्राइस बढ़ गया है ना तो उसके कारण तो बहुत हो सकते हैं ये हो सकता है सप्लाई कम आई हो बहुत सप्लाई मार्केट में बिल्कुल थोड़ी सी आई है तभी हमारा प्राइस बढ़ गया होता है ना ये लाइक कई बार अनियन के प्राइस हो जाते हैं कि आपका प्राइस इतना हाई हो चुका है किस कारण होता है क्योंकि उन्होंने कई बार होर्डिंग्स कर रखी होती है गोडाउन में ही संभाल के रखा होता है मार्केट में आता ही नहीं सप्लाई नहीं होती उसी कारण प्राइस बढ़ जाते हैं है ना अच्छा और क्या रीज़न हो सकता है हो सकता है डिमांड बढ़ गई उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस अपने आप ही बढ़ेंगे राइट हो सकता है जो भी इन इनपुट कॉस्ट उस प्रोडक्ट को सर्विस को बनाने में जितनी भी कॉस्ट लगी हो उसका प्राइस बढ़ गया हो हो सकता है रीज़न कई सारे हो सकते हैं तो इसीलिए बोलते हैं जो भी स्टैटिस्टिक्स से आप डाटा कलेक्ट करोगे ना उसके ऊपर कई सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर को आप उसका कारण नहीं बता सकते कई सारे उसके कारण होते हैं ओके नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ इज रीज़नेबल एक्यूरेसी अ रिजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी मैंटेन वाइल्ड क्लेक्टिंग द स्टेटिस्टिकल डाटा कहते आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो लोगों से ले रहे हो हर जगह से चाहे आप प्राइमरी सोर्स से ले रहे हो चाहे आप सेकेंडरी सोर्स से डाटा कलेक्ट कर रहे हो बट उसमें रिजनेबल अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए अब रिजनेबल अमाउंट क्या होगा देखो अगर आपने डाटा कहीं से कलेक्ट किया खुद गए या फिर चाहे किसी फॉर्म से एजेंसी से सेकेंड्री फॉर्म में लिया आप तब भी आप डाटा ये तो कहोगे कि एक्यूरेट होना चाहिए एक्यूरेट मतलब सही होना चाहिए कम से कम नाइनटी फाइव परसेंट तो होना ही चाहिए आपने जो भी डाटा कलेक्ट किया आपको ऐसा लग रहा है कि फिफ्टी फिफ्टी ही ठीक है फिफ्टी परसेंट ही ठीक है मुझे लग रहा है डाटा बाकी फिफ्टी परसेंट तो मुझे लग रहा है गलत ही है ऐसा ना हो आपका डाटा आप जो भी आप डाटा लोगे उसकी रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए अब रीजनेबल एक्यूरेसी कोई कहीं भी आपको पर्टिकुलर कोई परसेंटेज दिया ही नहीं हुआ क्योंकि तो ये रीजनेबल एक्यूरेसी ना आपके हर एक ऑब्जेक्टिव आपके डाटा के ऊपर डिपेंड करती है हम ऐसा नहीं कह सकते हर एक की नाइनटी फाइव होती है या नाइन्टी होती है नो no. कोई हम आपको अमाउंट कोई परसेंटेज नहीं दी गई ये डिपेंड करती है आपके डाटा के ऊपर आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर टाइम पीरियड के ऊपर हर एक चीज़ के ऊपर तो रिजनेबल का मतलब सिर्फ इतना है कि वो डाटा इतना सही होना चाहिए कि वो गलत आपका कंक्लूजन ना निकालने दे है ना आपका डाटा इतनी अमाउंट तक ठीक होना चाहिए कि आपका जो भी आप रिजल्ट निकालना चाहते हो रिज़ल्ट सही निकले आपका राइट right? आइए नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ प्लेस इन रिलेशन टू अदर्स सच डाटा इस कॉल्ड स्टेटिस्टिक्स विच इज़ म्यूचुअली रिलेटेड एंड कम्पेरेबल कहते जो भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो टू सीरीज या थ्री सीरीज का आपने अलग अलग तरीके का डाटा लिया वो कंपेरेबल होना चाहिए एक दूसरे से क्या होना चाहिए कंपेरेबल क्या आप उसको क्या कर पाओ कंपेयर कर पाओ कंपेयर मतलब तुलना कर पाओ है ना? हमने क्या किया क्लास इलेवंथ के स्टूडेंट जितने भी थे कॉमर्स के उन सब का डाटा कलेक्ट किया किस रिगार्डिंग उन सब की हमने क्या की एज कलेक्ट की ठीक है सभी की ली की क्लास इलेवंथ के स्टूडेंट्स की एज कितनी होती है ऑन एवरेज सभी की ली एक बार हमने डाटा लिया उसको हम किसके कंपेयर कर रहे हैं आर्ट्स के स्टूडेंट्स के वेट के साथ तो क्या इनका कुछ मतलब है कंपेयर कर रहे हो साइट है अच्छा एक का तो आप ले रहे हो एज, दूसरे का ले रहे हो वेट तो एज और वेट का तो कुछ रिलेशन है ही नहीं इसीलिए बोलते हैं कि आप जो भी डाटा लोगे ना वो कंपेयर होना चाहिए कंपेरेबल होना चाहिए अगर हमने कॉमर्स के स्टूडेंट्स की एज ली तो आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स की भी एज ही लोगे देन वो कंपेयर कर पाओगे अदरवाइज नहीं ओके आइए नेक्स्ट देखते हैं सिक्स पॉइंट प्री डेटरमाइंट पर्पज ये तो हमने आगे मीनिंग में भी किया है कि जो भी आप डाटा कलेक्ट करोगे अगर उसका लगा लो आपको कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो आप ये बताओ आपने जब ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं किया डाटा कलेक्ट करने के बाद उसे कैसे कंक्लूजन में पहुंचाओगे इसीलिए आपका कोई ना कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव कोई पर्पज पहले से ही होना चाहिए तभी वो आपकी स्टैटिस्टिक्स है अगर आपका आपने डाटा कलेक्ट कर लिया लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव ही नहीं था दैट इज़ नॉट स्टेटिस्टिक्स ओके जो भी हम सारे फीचर्स कर रहे हैं ना एजेंशियल फीचर हैं अगर आप ये कहना चाहोगे कि स्टेटिस्टिक्स प्लूरल सेंस है तो ये सारे फीचर्स उसमें होने चाहिए हम ये कहना चाहते हैं ऑल राइट नेक्स्ट देखो एनोमरेटिड और एस्टिमेटेड डाटा कैन बी आइदर बी कलेक्टेड बाय एस्टिमेशन इफ द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी वास्ट और एनमिरीशन और फॉर अ स्मॉलर सेट ऑफ डाटा कहता है आपका जो स्टैटिस्टिक्स का आप डाटा लोगे ना जरूरी नहीं है आपको खुद ही लेना है हमने आगे प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स करेंगे उसमें करेंगे डिटेल में क्या होता है मीनिंग क्लियर करते हैं कहते हैं जो भी आप डाटा कलेक्ट करोगे ना वो एस्टिमेटेड भी हो सकता है एस्टिमेटेड इन द सेंस आपका डाटा का जो स्टडी एरिया है ना वो बहुत वास्ट है बहुत ज़्यादा है आपको टेन थाउजेंड लोगों का डाटा लेना है तो पॉसिबल ही नहीं है ये तो सभी का लेना हाँ अगर आपने सर्वे करनी है तो कर पाओगे ऐसी बात नहीं बट हमें कुछ नॉमिनल काम के लिए चाहिए तो हम खुद नहीं जाएंगे तो हम एजेंसी से या फिर हम एस्टिमेशन करके कुछ लोगों का कोई रैली जा रही है कोई प्राइम मिनिस्टर की रैली करनी है उसमें ये देखने कितने लोग ऑन ऑन एवरेज होंगे तो हम काउंट थोड़ी करने लगेंगे ऑन ऑन एवरेज देख लेंगे दस हज़ार लोग हैं पचास हज़ार हैं है ना तो अगर आपका एरिया लार्ज है तो आप एस्टिमेटेड कर लोगे लेकिन छोटा एरिया तो खुद जाके एनुमरेशन करोगे कलेक्ट करोगे है ना तो कहते हैं स्ट्रेटेजिक्स का डाटा आपका एन्यमरेटेड भी हो सकता है और एस्टिमेटेड भी हो सकता है जरूरी नहीं है कि सारा एस्टिमेटेड होता है या सारा एनिमरेटेड होता है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर आप कैसे भी कलेक्ट कर सकते हो आप खुद जाके भी कर सकते हो एजेंसी से भी ले सकते हो एस्टिमेट भी कर सकते हो ऑल राइट आइए लास्ट देखते हैं कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर आप कहते हैं जो डाटा आप कलेक्ट करोगे आप एक सिस्टमेटिक मैनर में तभी तो हम ऑर्गेनाइजिंग वाला स्टेप लाते हैं सिंगुलर सेंस में राइट हम इसमें बोलते हैं अगर आपने हाफ आर्स रिटली मैनर में कलेक्ट किया डाटा कोई जल्दी जल्दी में बिना कोई पर्पस के ना कोई पहले से थिंकिंग की मैंने क्या क्या सर्वे में पूछना लोगों से है ना हम सर्वे करने गए किसी तो से तो हम सभी मेम्बर्स का डाटा सब कुछ अच्छे से ले रहे हैं उनकी एज इनकम सब कुछ पूछ रहे हैं किसी घर में जा कुछ अच्छे से पूछ नहीं रहे सिर्फ नाम नाम पूछ के आ रहे तो कहीं डाटा सही हम रिजल्ट निकाल पाएंगे नो इसीलिए बोलते हैं कि जो भी आप डाटा कलेक्ट करोगे एक मैनर से एक आप पहले से एक फॉर्मेट माइंड में चाहे आप प्रिंट आउट लेके जाओ एक फॉर्मेट माइंड मैप आपके माइंड में होना चाहिए ताकि आपका डाटा एक सिस्टमेटिक मैनर से कलेक्ट हो पाए ओके ताकि उससे कोई भी आप कंक्लूजन निकाल पाओ और कलेक्शन से पहले थोड़ी सी आपको माइंड मैपिंग प्लानिंग करनी हो ऑल राइट आई होप आपको सभी जो हमने फीचर्स के स्टेटिक्स के प्लूरल सेंस में सभी बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली टाइप कर सकते हैं ओके एंड बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स के भी जितने भी हमारे पार्ट्स हुए हैं इसके उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑल राइट एंड आप प्ले में जा कर भी चेकआउट कर सकते हैं एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल And also share these videos to your friends, to your known that also help to them. Okay, thank you so much.